ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दोस्तों, मैं आपका गाइड सुनील उपाध्याय शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको मैं एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं और बैलेंस ला के आप अपनी लाइफ को काफ़ी सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप वो सब इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं जो आप इस जीवन में पाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिवरात्रि इस शब्द से ये प्रतीत होता है कि रात्रि से ही इसका संबंध है। रात्रि में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपके ऊपर शिव की कृपा, शिव की ब्लेसिंग बनी रहे। शिव के बारे में बहुत सारे लोगों को ये गलत धारणा है कि शिव जी डिस्ट्रक्शन के देवता हैं और उन्हें त्रिनेत्रधारी भी बोला जाता है। शिव के पास तीसरा नेत्र जब शिव का खुलता है तो बोलते हैं कि प्रलय होता है, परंतु ऐसा नहीं है। शिव एक ऐसे देवता है जिन्होंने जो तीन गुण है हमारे अंदर, सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी कि काम, रजस का मतलब एक्ट, और जो तमस है यानी कि स्लीप या रिलैक्स, ये तीनों गुणों को शिव ने संतुलित किया हुआ है। इसलिए शिव से ये क्वालिटी हम सबको सीखनी चाहिए। इस क्वालिटी को अपने अंदर एक्टिवेट करने के लिए एक मंत्र है जिसके जरिए आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, इन तीनों क्वालिटीज को। और शिवरात्रि के दिन उस मंत्र का आप एक माला, तीन माला, पांच माला, सात माला, नौ माला, ग्यारह माला या इक्कीस माला, आपकी सुविधा या आपकी साधना की जितनी भी कैपेसिटी है उस हिसाब से कर सकते हैं। वो मंत्र रहस्यमय मंत्र है ओम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मंत्र आप करते हैं उसके आगे ओम लगता है, और इस ब्रह्मांड में जो साउंड गूंज रही है या जब आप ध्यान में ज्यादा लीन होते हैं तो आपके अंदर से ओमकार ही निकलता है। तो ये जो ओम है, आप ओम को शिवरात्रि के दिन जप करें। आप चाहे तो शिवरात्रि के दिन व्रत भी रख सकते हैं और एक ही टाइम आप खाना खाएं बिना नमक के। आप हल्के कोई व्हाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं और ये ओम की चैंटिंग आप अपनी इच्छा से करते रहिए। और ओम के अलावा यदि आप दूसरे कोई मंत्र करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो शिव का एक बहुत ही महामंत्र है, ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिक बंधनात् प्रत्योमुक्षी अमामृतात्, ये भी आप कर सकते हैं। मगर यदि आप सिर्फ ओम भी करते हैं, ओम बहुत ही सिंपल मंत्र है मगर इसके रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त हैं। और जब आप ओम की साधना करेंगे, आप शिवरात्रि से शुरू करिए और अपनी लाइफ में कम से कम इसे 6-7 महीने तक करिए। आप लगातार इसे करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में ये जो तीन जो क्वालिटीज है, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे। ये तीन गुण जो है, इसीलिए आपने जब आप शिव के मंदिर जाते हैं तो उनके हाथ में त्रिशूल होता है। ये त्रिशूल इन्हीं तीनों क्वालिटी के बारे में बात करता है। और साथ में आप जानते हैं कि शिव जी का जो दूसरा सिंबल है वो डमरू है, और डमरू ऐसे करके बनता है डमरू। और आप देखेंगे ये डमरू जो है, जैसे ये आप मैंने ये बनाया है ओम, ऐसे करके दो ओम को मिलके डमरू बनता है। तो ओम जो है, ओम के अंदर ही रहस्य है। ये जो रहस्यमय मंत्र है वो ओम है। आप ओम का जाप करिए और आशा करता हूं कि इसे आप पक्का करेंगे और आप अपने अनुभव इस मंत्र के बाद जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपकी शिवरात्रि बहुत ही सफल रहे, आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो पाए, आपका परिवार जहां पर भी हो सुखी रहे, हेल्दी रहे और वेल्दी रहे, आपके जीवन में सारे सपने आपके पूरे हो, इस मंत्र में ये पावर है। आपने मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, सुना और इसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।